हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है बुधवार और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं नीचे जा रही हूँ, इनाया को सुला रही थी तो वो सो गई है क्योंकि आज वो जल्दी उठ गई थी। तो बस अभी रोने लगी थी जब मैं उसको खिला रही थी, तो पर उसने नहीं खाया। और मैं बताऊँगी कि मैं आजकल इनाया को क्या खिला रही हूँ और मुझे किस चीज़ से ईजी हो रहा है, क्योंकि वो अभी तक जो इतना टाइम हो गया ना, इतने टाइम से वो कुछ भी नहीं खा रही थी। थोड़ा बहुत जो भी बनाती थी तो थोड़ा बहुत ही खाती थी, वरना वो नहीं खाती थी। लेकिन अब जो है, मुझे 2 दिन से इस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया है और वो मुझे बहुत ही ईजी हो रहा है। और इनाया भी जो है खा लेती है, लेकिन थोड़ा सा ज़बरदस्ती तो करना पड़ता है क्योंकि बच्चे आसानी से खाते नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत मैं ज़बरदस्ती करके लेकिन खिला देती हूँ और वो खा लेती है। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी। और बस अभी वो सो गई है और मैं जा रही हूँ नीचे। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि और सब्ज़ी तो फ्रिज में कुछ है नहीं है। पापा लेकर आएंगे शाम को या कोई भी, लेकिन अभी आलू रखे हैं तो मम्मी बोलने लगी थोड़े से आलू ही बना दो, क्योंकि थोड़ी ही सब्ज़ी बनना है इसलिए। तो बस दही के भी आलू बना रही हूँ, क्योंकि दही वाले आलू नहीं बना रही, मतलब मसाला भून के उसी में दही डाल दूँगी और आलू डाल दूँगी तो वो अच्छे अलग टेस्ट के बन जाएंगे। तो बस वही आलू बना रही हूँ। और बस थोड़े छोटे मोटे काम है, बोतल भरना है और थोड़े से बर्तन रह जाते हैं वो माँजना है, क्योंकि अभी हो जाते हैं थोड़े बहुत बर्तन, और बर्तन जमाना है जो बचे रखे हैं। और बुलबुल मैं सब्जी बना लेती हूँ, बुलबुल रोटी बना लेती है। तो ऐसे मैं एक जना सब्जी बना लेता है, एक जना रोटी बना लेता है। तो बस मैं सब्जी बना के रख दूँगी, फिर जब रोटी खिलेंगी तो वो रोटी बना देगी। तो बस अभी ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ और सब्जी बना के रख देती हूँ। तो बस अभी चलते हैं नीचे और कर लेते हैं काम, जब तक इनाया नहीं जग रही, जब तक जल्दी जल्दी फ्री हो जाते हैं काम से। अभी जो सारे काम है मैं करके आ गई हूँ और मैं इनाया को नाश्ता करा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे 12 बजे नाश्ता, तो इनाया ने जो है आज सुबह के टाइम पे नहीं पिया था। वो सुबह सुबह नहीं पीती है, ऐसे ही पीती है 10 बजे 11 बजे। तो फिर उस टाइम पे तो वो सो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब पिला देते हैं। तो इसको जब सोने के लिए रो रही थी ना, उससे पहले भी मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे इसको क्या नींद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो रख देते हैं, ये जब सो के उठेगी ना तो खा लेगी। लेकिन अभी भी हमारी जंग चालू है और इन्नू नहीं खा रही है। ये देखो बैठी हुई है और ये इसका रखा हुआ है। ये देखो मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मुझे एक सोल्यूशन मिला है खिलाने का, तो ये है, ये जो चम्मच वाली बोतल चल रही है ना, तो मैं ये लेकर आई हूँ इसके लिए। और इसमें मैंने दूध में एप्पल आधा टुकड़ा, मतलब एक कली काट के एप्पल में से, वो मैं पीस के इसको खिला रही हूँ। तो कल तो इसको पिला दिया था, लेकिन आज ये बहुत ही मक्कार पना दे रही है। इन्हें पी लो ना, और ये चिल्ला रही है कि नहीं खाना है, क्योंकि कल तो ये इसने शौक शौक में कि नई चीज़ है तो खा लिया था इसने। लेकिन आज मैं देखो ये इतना लेकर आई थी मैं इसको, सिर्फ इसने फैला के रो के गा के इतना सब पिया है सिर्फ।
तो अभी ये रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी पी ले, लेकिन ये नहीं पी रही है। और कल मैंने जो है खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल और चावल की, तो उसको भी मैंने पीस लिया था, और फिर ठीक सी जो मतलब ज़्यादा पतली नहीं करी थी उसमें, थोड़ा सा मैंने दूध डाल के उसको थोड़ा सा पतला करा था, ज़्यादा नहीं करा था, फिर इसमें भर के ही मैंने इसको दोपहर के टाइम पे पिलाया था। तो आज बनाऊंगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से खिलाया था। तो इससे क्या है, बच्चे आसानी से खा लेते हैं, लेकिन कल तो इसने आसानी से खा लिया था, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो आज तो इनाया ने जो है सुबह भी खा लिया और अभी भी खा लिया, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चे अगर कुछ खा लेते हैं ना तो माँ बाप खुश होते ही हैं। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ अच्छी बनाई है कि बच्चे इससे आराम से खा ले, लेकिन इससे चलो आज ये थोड़ा सा रो रही है, लेकिन इसको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, मैं कर दूंगी आदत। क्योंकि इससे ये भी रह रहा है कि मैं चम्मच से जब खिलाती थी ना, तो इस तरीके से मैं चम्मच लेकर आती थी, तो जब तक क्या मेरे ऊपर भी गिर जाता था और इसके ऊपर भी गिर जाता था, लेकिन इससे क्या है इसके सिर्फ मैं हाथ पकड़े देती हूँ और ये पकड़े रहती है, तो थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है और इसको खिलाती रहती हूँ। ये देखो मुझसे, मैं इसके ऊपर ऐसे तरीके से पैर इसको रख के बैठी हूँ, इसको पैरों के बीच में बना के हैं, जिससे ये भाग ना जाए, क्योंकि ये बच्चा भाग जाता है कि मम्मा खिला रही है तो मैं भाग जाती हूँ। ये देखो ये नहीं देख रहा है, क्योंकि मैं इसको खिलाने की बात कर रही हूँ ना, इसलिए ये नहीं देख रहा है। इनू नहीं देख रहे हो? इनू बोलो ना, इनू आपकी आवाज सबको बहुत पसंद आ रही है, बोलो क्यों नहीं खा रही हो, कुछ बताना चाहोगे, सबको बताना चाहोगे हैं, बताना चाहोगे कि हम क्यों नहीं खाना चाहते? अभी नाया गुस्से में है, बहुत बोल रही है मम्मा हमको खिला रही है, हमको नहीं खाना, नहीं खाना, खा लो थोड़ा सा। बड़ी कैसे होगी बताओ फिर, सब लोग बोलेंगे बड़ी नहीं हो रही नाया है, बड़ा होना है ना। वो देखो इग्नोर कर रही है मुझे बच्चों को जब उनके खाने पीने की बात की जाए ना, तो बच्चे इसी तरीके से इग्नोर करते हैं मम्मी को तो बस अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको खिलाने की, देखूँ थोड़ा बहुत और खा लेती है तो खिला देती हूँ। ये देखो भाग रही है, भाग रही है वो तो अभी बस उसको खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इनाया भी नहाकर तैयार हो गई हैं और अपने नए वॉकर पे घूम रही हैं। अच्छा लग रहा है ना, पिंक कलर का वॉकर इसका, पिंक और येलो। और इनाया बड़ी खुश हो रही हैं, क्योंकि इनको ये कलर जो है अच्छे भी लग रहे हैं और न्यू न्यू है, तो इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। और आप लोग बोलोगे कि इस पे जो है ऑलरेडी एक वॉकर है, फिर ये नया वॉकर क्यों लाए हैं? तो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि इनाया जो है पूरे टाइम जो है हम इसको डायपर तो पहनाती नहीं है, तो ये सुसु वगैरह भी कर लेती है, तो उससे क्या होता है इसका जो ये कपड़ा रहता है वो गीला हो जाता है। तो उससे क्या है फिर ये घूम नहीं पाती है जब तक वो कपड़ा सूख नहीं पाता है, तो फिर इस चक्कर में हम अब ये देखो अभी इस टाइम पर वो गीला है, तो मैंने उसको धोकर सुखाने डाला है, तो फिर इस टाइम पर ये परेशान होती है, मतलब घूम नहीं पाती है, वो खेलने को बोलती है तो हम खिला नहीं पाते हैं, तो इसलिए एक वॉकर और लेकर आए। तो उससे क्या अगर ये वाला कपड़ा गीला होगा तो हम इस पे घूम सकती है, अगर ये गीला है तो इस पे घूम सकती है, मतलब दो चीज़ होगी तो उससे सही रहेगा। और फिर एक बात ये भी है कि इसका यहाँ पर लगाने की एक तरफ की प्लास्टिक जो रहती है ना इसमें हुक लगाने के, वो भी खो गए हैं, मतलब एक इधर है ये इधर अटैच हो जाता है, इधर हो जाता है, लेकिन इस साइड नहीं होता है, तो उससे भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि वो एक साइड से खुला रहता है, तो इस वजह से भी और लेकर आए हैं कि एक नया हो जाएगा तो सही रहेगा। तो बस आज नया का लेकर आए हैं, तो ये घूम रहे हैं और इसके कलर भी अच्छे लग रहे हैं। और ये तो इनाया के लिए लेकर नहीं आए थे, ये बेटू का था आपको पता है, और हर चीज़ बेटू की इनाया यूज कर रही है, इनाया के लिए अभी तक मतलब ऐसे कोई खिलौने नहीं लेकर आए हैं, बिल्कुल पर्सनल उसी के लिए ये वॉकर ही उसके लिए आई है ना इन्नू। और एक दो चीज़ और लेकर आए मतलब, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ नहीं लेकर आए हैं, जो नहीं थी वही लेकर आए इन्नू के लिए, वरना जो भी आलिया पे चीज़ें थी खिलौने वही इनाया के लिए यूज किए हैं। और ऐसा होता ही है, बड़े बहन भाई की खिलौने हो या कोई भी चीज़ हो तो छोटे बहन भाई यूज करते हैं, है ना, हमारे इन्नू वही चीज़ यूज कर। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी आलियन आ रही है तो बस अब उसको भी तैयार कर दूँ, इनाया को तो हो गई तैयार, तो बस ये खेलती रहेंगी, और अब मैं आलिया को भी तैयार कर देती हूँ क्योंकि वो नहा रही हैं, वो खुद से ही नहाती हैं, जब मैं मुझे सही से नहलाना होता है तो मैं नहला देती हूँ एक दिन छोड़ के, और उसको फव्वारे से नहाना होता है तो वो खुद से नहाती है, तो अभी फव्वारे से नहा रही है, कल मैंने उसको नहलाया था लेकिन आज वो बोल रही है मम्मा मैं खुद से नहाऊंगी, तो वो खुद से ही नहा रही है, तो बस अभी वो आ जाए तो फिर उसको तैयार कर दूंगी मैं, और जब तक इनाया ऐसे खेल रही हैं।
और अब तो खाएंगी नहीं नाया, अब खाएंगी ये 2 बजे। तो बस अब मैं इसको नमाज वगैरह पढ़ने के बाद ही इसको खिलाऊंगी। उससे पहले मैं आलिया को तैयार करने के बाद खिचड़ी बना दूंगी। तो जब मैं इसको खिलाऊंगी तब तो मैं उसको पीस कर फिर लेकर आऊंगी। तो अभी रोज़ा इफ्तार हो गया है, नमाज़ पढ़ ली है। तो बस आज जो है 16 रमज़ान पूरे हो गए हैं और ये महीना जो है, आधा महीना जो है निकल गया और पता ही नहीं चला। ये महीना बहुत ही जल्दी निकलता है और कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा महीना रहता है ये। साल भर का जो ये महीना आता है तो बहुत अच्छा रहता है और इस महीने में बहुत ही रौनक रहती है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ, तो मैं सोचा अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू कर लेती, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं दोपहर में ही वेट हुआ हूँ नहाने के बाद, बोला था कि मैं अभी कुछ टाइम बाद मिलूंगी। लेकिन उसके बाद जो है नहाई, फिर नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के, फिर मैं जो है नाया के संग सो गई थी। तो बस अभी मैंने सोचा चलो अब शुरू कर लेते हैं, और आज मैं आप लोगों से किसी से मिलवाती हूँ। तो ये देखो आज आई है आलिया की फ्रेंड। इधर देखो ऊपर, क्या नाम है आपका? आलिया। आपका नाम भी आलिया है? अरे वाह, दोनों आलिया। अभी मैं पता नहीं था इनका नाम भी आलिया। फ्रेंड नहीं, ये तो आपकी फ्रेंड है लेकिन नाम इनका आलिया है। ये देखो दो दो आलिया हो गई हैं। ये आलिया वही है जो शादी में आई थी ना, वही है। और ये हमारी कॉलोनी में रहती हैं पास में। तो आज ये बेटू से मिलने आए हैं और बेटू और इनाया के साथ खेलेंगे। ये देखो इनाया की भी फ्रेंड मिल गई है। इनू आपकी भी फ्रेंड है क्या इनू? ये देखो ये भी खेल रही है। बच्चों को अगर इस तरीके से एक दो साथी और मिल जाते हैं ना तो बच्चों को खेलने में मजा आता है। तो इसीलिए बेटू को आज अच्छा लग रहा है। बेटू अच्छा लग रहा है? हैं, पढ़ने जाती हो आलिया? आप कौन सी क्लास में हो? हैं, अच्छा फर्स्ट में आने वाले? अरे वाह, देखो आलिया ही पढ़। इनकी मम्मी आ गई। और इन्नू आप पढ़ने जाती हो? इन्नू नहीं जाती है? अच्छा आलिया जाती है हमारी, इन्नू नहीं जाती। इन्नू तो खिलौने ले रही है लपक लपक के। तो बस बच्चे अभी खेल रहे हैं और मैं अब नीचे जा रही हूँ, मम्मी आ गई हैं क्योंकि मम्मी गई थी कहीं पर तो बुला रही हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।